सो गाइस मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट आप सभी के लिए। आप सभी को पता है कि कुछ ही दिनों के अंदर, मतलब एक डेढ़ महीने के अंदर आप सभी का जैसे कॉलेज से स्टार्ट हो चुका है, तो आपका यूनिट टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। और यूनिट टेस्ट का जो पेपर पैटर्न फिजिक्स का किस तरह से रहने वाला है, इस वीडियो में वही चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो गाइस, केमिस्ट्री का तो लगभग इसके जैसा ही रहेगा, बस मैथ और बायो का बिल्कुल अलग रहने वाला है। अगर आप बोलोगे तो मैं उसका वीडियो आप सभी के लिए लेके आ जाऊंगा, जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। और साथ में गाइस, मुझे नेक्स्ट वीडियो जो बनाने का प्लान है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर अपने फिजिक्स के कौन से हैं, वो है। अगर आप लोगों की भारी मांग होगी और इस वीडियो पर टारगेट लाइक 1K रखता, अगर ये पूरा हुआ तो फिक्स है कि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले मैं लेके आऊँगा मैथ का या तो बायो का, जिसकी ज़्यादा मांग हुई, और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर का। तो गाइस मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, हर ग्रुप में हर जगह शेयर कर दो, जिससे हमारे अंदर भी एक मोटिवेशन आए। और दूसरी बात गाइस, रैंकर बैच कंटिन्यू चल रहा है, प्लीज़ आप उससे ज्वाइन हो जाओ। आपको पढ़ने का जो मज़ा नेक्स्ट लेवल का आएगा, जो बच्चे फील कर रहे हैं महाराष्ट्र के कोने कोने से, तो आप भी हमसे ज्वाइंट हो सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इवन गाइस, आज जीवन बैच जो सीईटी का स्पेशल फुल ईयर का बैच है, वो भी आज लॉन्च होने वाला है। तो लॉन्च के दिन अगर वो कोर्सेज कोई बाय करता है तो भाई उसको थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिलेगा, तो प्लीज़ आज ज्वाइंट हो जाना। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि यूनिट टेस्ट। देखो इस यूनिट टेस्ट में स्कोर करना इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने अपने से अपनी झलक पहले ही सामने वाले को दिखा दी, तो भाई फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन। पहला यूनिट टेस्ट में फोड़ दिया ना, तो टीचर को लगेगा कि यार इंटरनल मार्क्स में तो इसको देना ही पड़ेगा, भले आप कितने भी मस्तीखोर कुछ भी हो, बट अगर एग्जाम के स्कोर आप कर पा रहे हो तो भाई आपकी बल्ले बल्ले, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता, ये क्लियर कट बता रहा हूँ। बट इसका मतलब ये नहीं कि तबाही मचा के रख दो, प्रदीप सर ने बोला है ऐसा, इसका बिल्कुल मतलब नहीं है। तो गाइस, पर हमारा टारगेट हर यूनिट टेस्ट में, जनरली अगर मैं फिजिक्स से बात करूँ, 2 या 3 चैप्टर फिजिक्स 1 के आएंगे, 2 या 3 चैप्टर फिजिक्स 2, या तो कुल मिला के फिजिक्स 1 फिजिक्स 2 को मिला के 3 या 4 चैप्टर उनको देना चाहिए, रूल वाइज यही कहता है। बट कॉलेज वाइज थोड़ी चीज़ों को चेंज कर देते हैं। अब आप सभी को बताया कि जो आपका यूनिट टेस्ट, पहला यूनिट टेस्ट होगा वो 25 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा? 25 मार्क्स का होगा, और इसके लिए टोटल टाइम आपको 1.5 घंटा मिलेगा। अगर मैं इस बार का पूरी तरह से बताऊं किस तरह की प्लानिंग होगी, तो क्वेश्चन नंबर 1 के सेक्शन ए, टोटल 4 सेक्शन में आपका पैटर्न डिवाइड किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल मिला के क्वेश्चन नंबर 1 4 एमसीक्यू आएंगे, और वो चारों एमसीक्यू कंपलसरी होते हैं गाइस, और वो चारों के चारों करने रहते हैं। हाँ, प्लीज़ अगर आपको चाहिए कि सर ये सभी चीज़ें हम कहाँ से करें, भाई सबसे पहले रैंकर बैच से ज्वाइंट हो जाए, हमारे ऐप पे जो चल रहा है। और दूसरी बात, अगर नहीं है तो भाई ये एमसीक्यू ऑलरेडी गिरी ट्यूटोरियल पे फिजिक्स 1 मैंने पूरा पढ़ाया है, राहुल सर ने मैथ 1 पढ़ा, और दूसरा केमिस्ट्री एंड फिजिक्स 2 पूरा का पूरा ये चैनल पे, तो दोनों चैनल डिस्क्रिप्शन में दिया, पूरा का पूरा प्लेलिस्ट दिया हुआ है, आप पढ़ के सभी चीज़ें कवर कर सकते हो। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आंसर द फॉलोइंग, टोटल 3 क्वेश्चन होंगे जिन्हें हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर तरीके से 1 सेंटेंस के अंदर वेरी शॉर्ट आंसर वो उसको सॉल्व करके देना पड़ेगा, और 1 मार्क्स के लायक करना। ये नहीं, बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ कि उसको मतलब वो 1 मार्क्स का है तो 1 मार्क्स के ही लेवल का उसको आंसर देना है, ये नहीं आपने पूरा रट के कहीं से आया पूरा का पूरा भर दिया। ये हो सकता है अभी टीचर हो सकता है आपको मार्क्स दे, बट अगर बोर्ड में इस तरह की आपने आदत बना के रखी ना यार, इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट गिरता है, इसलिए प्लीज़ इसको चेंज करना। अब सेक्शन बी की मैं बात करूं तो टोटल गाइस अगर मैं बात करूं तो 3, 4, 5, 6, 7, 8 टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे, और उस 6 क्वेश्चन में से अपने को कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, 4 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। मतलब कहने का मतलब इसमें आप सभी को ऑप्शन दिया गया, और ये जो होने वाले ये टोटल कितने मार्क्स का, 2 मार्क्स का हर क्वेश्चन होने वाला है, तो 4 2 अपना कितना होगा 8। अब सेक्शन सी की मैं बात करूं तो 9, 10, 11 मतलब टोटल 3 क्वेश्चंस होंगे, और 3 में से अपने को कोई भी 2 क्वेश्चन करना रहेगा, और हर क्वेश्चन गाइस अगर आप यहां ध्यान दोगे तो हर क्वेश्चन हमारा 3 मार्क्स का होगा, और ये 3 2 का कितना हो जाएगा 6। अब सेक्शन डी की बात करूं तो देखो गाइस, ये ना थोड़ा चेंज होता रहता है बोर्ड में क्या होता है, तो बोर्ड के टाइम मैं आप बोर्ड के पहले वीडियो बना के आप सभी को बता दूंगा, बट अभी यूनिट टेस्ट पर भी हमें बोर्ड की तरह ही फोकस करना है। तो टोटल सेक्शन डी के अंदर टोटल 2 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से अपने को 1 क्वेश्चन करना रहेगा, और 1 क्वेश्चन जो रहेगा 4 मार्क्स का। बट गाइस, कभी कभार ये डायरेक्ट 1 ही क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहता है, कभी कभार 1 क्वेश्चन को स्प्लिट किया रहता है, और बोर्ड में तो बहुत आसान रहता है। बोर्ड में बच्चों को ज़्यादातर बोलता हूँ कि 2 और 3 मार्क्स, अगर आपसे 4 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं हो पा रहे तो 2 और 3 मार्क्स का क्वेश्चन तो पूरी तरह से करो, 1, 2, 3 मार्क्स से देखो आप एग्जाम फोड़ क्या हो गए। वैसे हमारा बुक लॉन्च होने वाला है, जिसमें हमने पूरा ईयर वाइज PYQ को 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स एकदम सिस्टमैटिक बनाया है, जिससे क्वेश्चन भी है उसके सॉल्यूशन भी है, तो जिससे आपको ढूंढने में थोड़ा भी मुश्किल नहीं होगा, और वो जल्दी हम लॉन्च करने वाले हैं। हाँ, एक चीज़ बोलूँगा, जिस दिन भी लॉन्च होगा
परचेज जिसको करना फटाक से परचेज कर लेना, क्योंकि क्वांटिटी बुक की हमने बहुत कम प्रिंट करवा रहे हैं। इतना नहीं कि हम बहुत सारा बुक प्रिंट करवा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जिन बच्चों की मांग है कि हमारा, जिन बच्चों को जरूरत है उन तक वो चीज़ें पहुंच पाए, इसलिए क्वांटिटी बहुत कम है। तो जिसको जरूरत होगी वो फटाफट फटाफट जिस दिन बोलूंगा उस दिन भाई तुरंत ही अपना अप्लाई कर लेना। तो अगर और भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में भर दो, हम लाते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो। मैं यूनिट टेस्ट से भी रिलेटेड वीडियो लेके आऊँगा और भी, जिससे आपको सपोर्ट मिले। थैंक यू सो मच। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।